सिल्क की साड़ी लेके आई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं पूरी साड़ी आपको, ये हैंडलूम की साड़ी है, यानी कि ये हाथ की बनी हुई साड़ी है। ये साड़ी जो है ये आपको मार्केट में इसका कॉपी भी मिलता है, जो कि बहुत ही कम रेट में मिलता है, 8,000-6,000 में इसका प्राइस। बहुत कस्टमर मुझे बोलते हैं कि आप इतना रेट में बोलते हो और मार्केट में तो मुझे इतना ही प्राइस में मिल रहा है, लेकिन वो दोनों कपड़े में क्लॉथ में काफ़ी फ़र्क होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है उसमें। ये जो है ये पूरा हथकरघे यानी कि हाथ का बना हुआ है, एक एक धागा इसका हाथ से बुना हुआ होता है, और वो जो है वो पावर लूम का होता है, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के लिए इसके साथ सिल्क मार्क लेके आई हूँ, जो कि हर साड़ी के साथ आपको मिलने वाला है। ये जो सिल्क मार्क है ये पूरा टोटली है, आप इसमें देख सकते हैं स्कैनर भी दिया हुआ है, इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पूरा प्योर सिल्क की साड़ी है, और ये आपको सिर्फ प्योर सिल्क के साड़ियों के साथ ही मिलता है, दूसरी साड़ियों के साथ बिल्कुल नहीं मिलता है। तो चलिए मैं ये साड़ी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप का आपको इसका लुक आने वाला है। काफ़ी खूबसूरत ये साड़ी है, ये साड़ी आप देख सकते हैं चॉकलेटी कलर की ये साड़ी है, और इसका जो बॉर्डर है वो फिरोजी कलर का है। तो चलिए मैं ये साड़ी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये डिज़ाइन इसका किस टाइप का है। काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही ट्रेडिशनल साड़ी, ये बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही, आपको पता ही है जो अगर प्योर साड़ी पहनते होंगे जो भी कस्टमर मेरे, उनको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और ये मार्केट में बहुत ही कम मिलती है। इसको बुनाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक साड़ी को बुनने में 1 मंथ लग जाता है। आपको दिखा रही हूँ ये साड़ी का पल्लू है, आप देख सकते हैं पल्लू में पूरा वर्क किया गया है, फिरोजी कलर का इसका पल्लू आएगा, बहुत ही खूबसूरत और एकदम लाइट वेट। इसका ब्लाउज में भी वर्क है, मैं ब्लाउज पीस आपको दिखा देती हूँ, ये इसका ब्लाउज पीस आएगा। ब्लाउज पीस में आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है, और इसमें आपको बॉर्डर भी मिल रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। कॉफ़ी कलर की ये साड़ी है, यानी कि चॉकलेटी कलर, और ये आप देख सकते हैं ये साड़ी का पीछे का हिस्सा है, देख सकते हैं इसका पीछे का साइड है, बहुत ही मतलब बारीकी के साथ बुना हुआ है, और फिनिशिंग इसका आप देख सकते हैं। साड़ी की बॉर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर है ये नीचे आएगा आपको ब्रॉड बॉर्डर में, और जो ऊपर है ये आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा बॉर्डर है। तो इसमें जो साड़ी है ये आपको कंट्रास्ट में है, तो दोनों तरफ साड़ी का कलर आपको कॉफ़ी कलर हो जाएगा, और जो बॉर्डर है वो फिरोजी कलर का आ जाएगा।